इस तरह अगर आपकी जो बीवी है वो इस तरह की खिदमत करे तो मैं समझता हूँ आपको मसाज कराने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ यू गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो आई हैड अ मसाज इन थाईलैंड टू, बट हुआ क्या था कि वो जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सारी ख़राब हो गई। सो टुडे आई एम एट पुसेट केकेंटिकेन यूही मसाज सेंटर और आज मैं यहाँ पे फुट मसाज करवा रहा हूँ, तो जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिर्फ मेरे ही फुट आएंगे, मैं उनको किसी को नहीं लूँगा जो सामने। आई डोंट वॉन्ट टेक दैम। फर्स्ट दे वाइप योर फुट विद हॉट टावल, उसके बाद ये ऐसे टावल रख देते हैं। दे पुट सम क्रीम डालते हैं पहले। ये चेक द टाइम फर्स्ट, 12:09। तो ये लोशन से पहले मसाज करते हैं, उसके बाद ये आगे करेंगे क्या देखते हैं, क्योंकि मैं ये वहाँ जो करवाया था हमारा डिफरेंट था, वहाँ पर पहले धोने के बाद डायरेक्ट उन्होंने दबाने के बाद और से शुरू कर दिया था। वो यार बड़ा दुख है मुझे कि वो गुम गई वीडियो, क्योंकि वो बहुत ही आला वीडियो थी। वो खातून जो थी आंटी वो बहुत अच्छी थी, मतलब बुज़ुर्ग थी थोड़ी लेकिन बहुत अच्छी थी, आदत की। रोशनी थोड़ी कम है तो सिर्फ ऐसे ऐसे ही बनाएगी। देख सकते हैं कि पाँव का मसाज हो रहा है खाली। आई एम नॉट टेकिंग यू, डोंट वरी। सुकून मिल रहा है, अच्छा है मसाज, इट्स वेरी नाइस। मतलब उधर भी मजा आता है, अभी पाँव ऐसे दुख रहे थे ना। ये म्यूज़िक चल रहा है पीछे, कहीं कॉपीराइट ही ना आ जाए, लेकिन नो वरीज, नहीं आएंगे होपफुली। मैंने ही वादा किया इनसे कि मैं इनकी तस्वीर नहीं लूँगा, मतलब आई विल नॉट टेक हर वीडियो, बिकॉज प्राइवेसी होती है हर एक की अपनी। इस तरह अगर आपकी जो बीवी है वो इस तरह की खिदमत करे तो मैं समझता हूँ आपको मसाज कराने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। पर अनफॉर्चुनेटली आप समझदार हैं, शादीशुदा लोग समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। They've charged me 35 ringgits, which is 17-15 Pakistani rupees. और मतलब अगर पाकिस्तान में हम ये मसाज कराएँ फुट मसाज इस तरह का तो तकरीबन 500 रुपये लेते हैं, ये फ़र्क है। बट दिस इज़ अ थेरेपी, इट्स ना मसाज है मैं से, इट्स अ थेरेपी सॉर्ट ऑफ। वहाँ पर तो आपको पता ना ढह धनाधन गोल, लेकिन ये कि इट्स बेसिकली अ थेरेपी आई मस्ट से, बिकॉज आई हैव ट्राइड इन थाईलैंड टू। यहाँ पर जरा थोड़ा चेंज होता है, यहाँ पर वहाँ का धनी दोनों जगहों का तकरीबन दोनों सेम ही है। फाइनली डन मसाज एंड वॉज अ ग्रेट मसाज, आराम से एक घंटा कराएं, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन करे पाँव को बड़ा सुकून मिलता है और अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। वहाँ पे भी अच्छा हुआ था और यहाँ पे भी अच्छा एक्सपीरियंस है। सो आई मस्ट से गो फॉर फुट मसाज एंड वट एवर यू लाइक, जो दिल करे आप करवाओ, जो मसाज करवाना है ठीक है ना।
तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि जो आपको पसंद हो करवाना है, यहाँ पर थाईलैंड में करवाना, मलेशिया में करवाना। आई एम एट बुकिंग बिंतान राइट नाउ एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा टू। टेक केयर।